यू गॉट टू डू समथिंग, फिर पैसे बना के ना दुनिया में चल जाना है बच्चे पैदा करके, उसके लिए ना कोई इस्लाम की जरूरत नहीं थी, जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं। फॉलो सिर्फ उसको करते हैं आप, याद रखना है ये फॉलो कैजुअल लव्ज नहीं, जो कोई एक्शन में आपको फॉलो करे, जो बातें सुनाते उसको फॉलो नहीं करते, आप उसके खाली फैन होते हैं। तो आप इन दोनों में से किसको फॉलो करते हैं, इसका मतलब इसने कोई काम दिया होगा आपको, क्या काम दिया, काम ही तो नहीं दे रहा कोई यहाँ पे मुसलमान। मैं इसीलिए तो कुतुब कुतुब लगा हुआ हूँ या मौदूदी मौदूदी लगा हुआ, काम देता है आपको, फॉलो तो आप करें। अच्छा बताए मुझे फॉलो करें, आए फॉलो करें ना, मुझे करें ना फॉलो, मैं कहीं जाऊंगा तो फॉलो करोगे ना। यस सर। ये सिर्फ और सिर्फ इसी बात का तुम्हें गुस्सा है इन सब के ऊपर कि मुसलमान मर्द को बुजदिल करके अपने घर में बना दिए इन्होंने, तो लड़कियां क्यों ना बाहर निकले बगावत करने, मर्द जो घर में बिठा दिए कि मैं पूजा पाठ के लिए आया हूँ। फॉलो करने वाले सिर्फ एक्शन आइटम्स होते हैं। सर आपने फेवरेट लाइन नहीं बताई। मेरी फेवरेट लाइन कोई नहीं, मेरी अल्लाह ने 6600 लाइनें लिख दी हैं, अब हर लाइन ही फेवरेट होती है ना, हम तो मुसलमान हैं। पर याद रखना बस कि इस मौके के ऊपर मुफ्त में ना मर जाना, बड़े बड़े लॉटरी लगी हुई है, इतने गंदे टाइम पे पैदा हुए हम, कुछ भी करोगे जन्नत में चल जाओगे, लॉटरी है। मुफ्त में ना मर जाना, साहबा के दौर में ना 100 दिन के काम करने पड़ते थे तो तब भी जन्नत नहीं मिलती थी, आजकल के दौर में कुछ भी बड़ा कर जाओगे, एक एक डिपार्टमेंट नहीं पकड़ लोगे जन्नत में चल जाओगे। ये लॉटरी का वो जैसे कहते हैं कंफ्यूज ना हो जाना, ये बहुत बड़ी लॉटरी है, अल्लाह के यहाँ तुक्के नहीं है, अल्लाह ताला को हमसे प्यार था इस जमाने में पैदा किया ना, कि yes, कुछ तो कर जाओ यार, अरबों में आए हो, अरबों में 7 अरब लोग हैं इस दुनिया, यू गॉट टू डू समथिंग, फिर पैसे बना के ना दुनिया में चल जाना है बच्चे पैदा करके, उसके लिए ना कोई इस्लाम की जरूरत नहीं थी, जानवरों के भी बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, चिड़िया भी दाने इकट्ठे करके घोंसले में ले आती है, इंसान की भी जरूरत नहीं, और हमने समझ लिया मुसलमान होने के लिए इस काम की जरूरत है, सोचें तो सही ना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर।